नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्तोलॉजी डी बंकिंग मिथोलॉजी। अगस्त 24-25 को अपने कैलेंडर पे लिख दीजिए और आप सब जो अमेरिका में हैं सबको सैनडिएगो आना चाहिए और इस लिटरेचर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करिए, सत्तोलॉजी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कि वाई द वर्ल्ड इज इन टर्मोइल अगेन अगेन एंड अगेन, और भारत इतना विश्व में चिंताजनक स्थिति कैसे बनी हुई है। तो आज उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो अलग होस्ट भी, शरद मोहन जी और हमारे भ्राता श्री विभूति झा जी। सो लेट अस वेलकम एवरीवन ऑन द शो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो इस बार थोड़ा फॉर्मेट अलग रहेगा शो का, तो लोग पीपल कैन ओपन अप। तो सबसे पहले विभूति जी और आपसे शुरुआत करते हैं कि दुनिया की चिंताजनक स्थिति क्यों है और क्यों ऐसा लगता है कि वापस दुनिया चिंताजनक है। हम और आप नहीं है लेकिन दुनिया चिंताजनक लग रही है। मेबी इट्स मीडिया हाइप आल्सो। आपने प्रश्न पूछा और आपने जवाब भी दे दिया कि मीडिया का हाइप हो, तो बात सही कह रहे हैं आप आदित्य जी। दैट कभी कभी जो होता है ना, जब कुर्सी पे आराम से बैठ करके जब सोचते हैं तो ये मन में ये आता है विचार कि कुछ बदला नहीं है। वो जो बड़ा फेमस सेंटेंस है ना कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। तो आप देखें तो महाभारत और रामायण के समय से लेकर के समस्याएं वही रही हैं, पारिवारिक, राजनीति, गद्दी, माता पिता का द्रोह, अपने चाहने वालों का षड्यंत्र, ये हमेशा से चालू रहा है। कभी उसकी चर्चा होती थी बाद में, अब आज की तारीख में आपने बिल्कुल सही कहा, जो रेफरेंस आपने टेक्नोलॉजी का दिया, तो मेरा जो फेवरेट स्टेटमेंट है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के कारण खबरें और समाचार वो जो है वो इट ट्रैवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग, अगर उसे तुलनात्मक बात की जाए तो आज हम जानते बहुत ज्यादा हैं। आज के जो कहें, अगर आप कहें कि आज के राजा महाराजा प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहते हैं, 10 डाउनिंग में रहते हैं, फ्रांस के पैलेस में रहते हैं, आज की तारीख में मिडिल क्लास हमेशा आज क्यों हमेशा से राजा टैक्स लेता रहता है। तो इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि चीजें बदलती नहीं है, वही रहती हैं। अब जो है हमारा जो विचार है वो हर एक सदी के हिसाब से बदलता रहता है। तो आज आप देखेंगे कि जैसे कि इमिग्रेशन की बात ली जाए, जैसे कि अमेरिका में जिस तरह से इमिग्रेशन हो रहा है, आप देखेंगे कि इस पे विचार ये चल रहा है कि वोटिंग को पूरा कैप्चर किया जाए। कल की बात बता रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही थी कि सारे के सारे पोलिंग जो कहते हैं अनुमान के हिसाब से ट्रंप इज लीडिंग बाइडन बाय 5-6 points ऑन एवरी इशू, एवरी स्टेट, एवरी व्हाट यू कॉल द ऑल द स्टेट्स वेयर इट इज, वो कहते हैं कि जो मार्जिन ऑफ एरर कैन बी वेरी लो। लेकिन उसमें चर्चा यह भी हुई थी कि जैसे कि लोग कहते हैं कि इस देश में आप किसी को पूछ नहीं सकते कि आर यू रजिस्टर्ड टू वोट, आर यू अ सिटीजन टू वोट, पीपल कैन कम एंड वोट एज दे लाइक। तो हम शायद ये देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो रिपब्लिकन के विचार हैं, कि डेमोक्रेटिक पार्टी टैक्टिकली बहुत ही स्मार्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ वोट गैदरिंग, वोट हार्वेस्टिंग, मेल इन वोटिंग। कौन वेरीफाई करता है मेल इन वोटिंग को? तो ये जो 8-9 मिलियन लोग आए हैं, सबके सब बोल रहे हैं हम तो बाइडन को वोट करेंगे, उनको पता है उनको वोट करना है। तो आप जो आज की तारीख में लोगों को चीजें पता बहुत जल्दी चलती हैं। तो चिंताजनक बात यह है कि जैसे अब समझ में नहीं आता है कि चक शूमर न्यूयॉर्क के सेनेटर हैं, मिट रोमनी जो उन्होंने ये वक्तव्य दिया अपना कि यूक्रेन का जो वोट है फंडिंग का इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोट ऑफ देयर लाइफ टाइम। थिंक अबाउट इट, ऑफ देयर लाइफ टाइम। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों आखिर हम आप जो हैं, हम इस बात को बहुत बहुत कहते हैं, हम्बली कहते हैं कि
कि थोड़ा हमें ज्यादा हम थोड़ा ज्यादा जानते हैं आमतौर के बेसिस पे, लेकिन अदर देन नाटो का जो सिलसिला है, यूक्रेन इतना बड़ा इंपॉर्टेंस क्यों है इसका? इसका बयान किसी ने नहीं दिया आज तक, लेकिन उतने सालों से लड़ाई हो रही है, इतने सारे लोग विचलित हो गए, इतने सारे लोग यूक्रेन छोड़ के चले गए, दुनिया चल रही है साहब। तो ये $60 बिलियन का जो पैसे दिए जा रहे हैं, ये खेल क्या है? अब लोग ये सवाल पूछने लगे हैं और अब जोर से पूछने लगे हैं। रिएक्शन जो है अब बहुत तत्पर होता है। तो यू आर लुकिंग एट अ सिनारियो इन विच रिवोल्ट्स कैन बी वेरी पॉसिबल, रिवोल्यूशंस कैन बी वेरी पॉसिबल। अब देखिए इलीगल इमिग्रेशन का, बंदे ने एक मासूम लड़की की हत्या की, सर थोड़ के उसकी हत्या की, उसको लोग इलीगल नहीं कर रहे हैं यहाँ की मीडिया, वो कह रही है, यहाँ की मीडिया कह रही है, मेयर ऑफ एथेंस इन जॉर्जिया हैज सेड कि वो बंदा, दिस मर्डर हैज नथिंग टू डू विद इलीगल इमिग्रेशन, ट्रंप इज मेकिंग अप दिस इशू। नाउ डू यू थिंक माई रिएक्शन एंड योर रिएक्शन इज बेस्ड ऑन दैट व्हाट मेयर सेज? मीडिया रिपोर्टेड कि वो बंदा एथेंस का रहने वाला था, ये किसी ने नहीं बताया कि वेनेजुएला की क्राइम रेट गिर गई है अभी, क्योंकि जेल से सारे सारे क्रिमिनल्स को उन्होंने भेज दिया इधर, अब वो अपना हंगामा कर रहे हैं। आपने देखा होगा वेनेजुएला का एक बंदा है जो टीवी पे टिकटॉक पे आके उसने कहा द बेस्ट थिंग इज टू कम टू अमेरिका, गेट बेबीज एंड द स्टेट फीड्स यू, मोर द बेबी द रिचर यू आर, आई हैव कार, आई हैव हाउस, आई हैव मनी, व्हाट आर यू डूइंग इन वेनेजुएला, कम हियर। सो यू आर लुकिंग एट अ सिचुएशन व्हिच इज डेंजरस। मैं इसको I will not negate the significance and importance of that, क्योंकि ये बहुत ही important सा हो गया। उस मेयर ने जब ये सब बयान दिया तो पत्रकारों ने उसकी गाली दी, झूठे लायर, you know, things like that अब instantly हो रही है। तो emotional जो है ना upheaval, वो कहते हैं कि लावा कब फूटेगा और कब बहेगा, इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को है। you can't take it for granted anymore. That will be my opening. तो चिंताजनक इसलिए है कि नॉट दैट दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज चिंताजनक बिकॉज नाउ पीपल्स रिएक्शंस कैन बी वेरी फास्ट। एंड लुक एट दिस वे, आई विल जस्ट ऐड हियर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वी लिव इन अमेरिका सो वी आर अमेरिकन्स, बट एज डेल कार्नेगी सेड इन हिज फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ही सेज देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू लुक एट एन इशू फ्रॉम अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, then you get the perspective, right? जब टकर कार्लसन ने पुटिन की इंटरव्यू ली थी तो पुटिन ने कहा था उसे कि यू वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रोल्स द मीडिया, सो ऑल द नैरेटिव आर योर्स, हमारा तो कुछ भी नहीं है, राइट? सो लुक एट नवलनीज डेथ, ट्रेजिक एज इट इज, नो डाउट अबाउट दैट, यू वन कैनॉट इग्नोर दैट, नवलनीज डेथ, सून एज दैट डेथ हैपन्ड, from Biden onwards everybody blamed Putin for killing. My question was, my thought that came to my mind, what did Putin gain by killing him? He has already put him in jail. Wo apne exercise ke liye jata tha, karta tha. So he was already in Putin's control. What did Putin have to actually gain by his death? Think about it. It's a question. And you are not guilty until proven. That's our philosophy. So how did we declare Putin as the killer? That is the issue, that is people are now beginning to question that. चिंताजनक है। और एक बात और कहूंगा, लंबी बात हो गई, कि मेरे विचार से सिक्योरिटी काउंसिल के जो पांचों सदस्य हैं उनको जो है सिक्योरिटी काउंसिल से इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज दे हैव फेल्ड इन देयर जॉब टू प्रोटेक्ट पीस, ऑन द कॉन्ट्री दे आर द वंस हु आर प्रमोटिंग वॉर इन द नेम ऑफ फ्रीडम। That's the sad part. This also the world has begun to realize. माफ करिएगा थोड़ा लंबा हो गया, आपने कहा ना कि इमोशनल चीज थी, तो मैं भी थोड़ा सा, मैंने कहा कि एक भूमिका बांधू, अब आप दोनों बैटिंग करिए, मैं सुनूंगा। क्रिकेट तो शरद जी खेलते हैं, वो कैप्टन थे, स्टेट कैप्टन, स्टेट। मैं तो गोल्फ करता हूँ। शरद जी जो आ गया, मैं स्टेट कैप्टन नहीं था, मैं टिस्को 13 का कैप्टन था धनबाद में। तो भाई राम राम भाई लोग,
बहुत व्यापक टॉपिक है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, वेरी ओपन एंडेड. परिवर्तन, चेंज, चेंज इज ओनली परमानेंट. दैट्स व्हाट मेरे कॉन्वेंट स्कूल में मुझे पढ़ाया गया था कि किंग आर्थर कोई थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई चेंज इज द ओनली थिंग विच इज परमानेंट. भाई चेंज जो फ्रॉम सनातन पर्सपेक्टिव, अगर वो लीनियर है, समय अगर, काल अगर लीनियर है, कोई भी चीज़ अगर एक दिशा में ही जा रही है, तो हम उसको स्टार्ट पॉइंट से कंपेयर कर सकते हैं. लेकिन सनातन में जब हर कुछ साइक्लिक है, हमारे युगज हर एक सर्कल के बाद वापस आते हैं, तो यहाँ पे मैं चेंज को क्या बोलूँगा. मेरे लिए तो ऑलरेडी सब डिस्टाइंड है, डिफरेंट फेजेस. इस फेज में ये होगा फिर घूम के फिर मैं वहीं आऊँगा जहाँ से शुरू किया, राइट. सो आई एम नॉट लाइक स्टार्टिंग एंड देन लीविंग माय एंसेस्ट्री और माय ओरिजिन, राइट, जो कि टिपिकल वेस्ट में देखा गया है. तो चेंज ये हुआ थोड़ा फिलोसफिकल ज्ञान. नाउ अब आ जाइए चेंज पे. तो तीन चार तरह का चेंज मुझे दिख रहा है. एक तो हो गया कि सोशल चेंज इन अमेरिका और वर्ल्ड, उसका इम्पैक्ट. दूसरा हो गया कि स्पिरिचुअल चेंज, क्या हम धार्मिक ज़्यादा होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं. तीसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जिसमें वॉर भी आता है, रशिया यूक्रेन वॉर. और इवोल्यूशनल चेंज तो अभी दिख नहीं रहा, अभी हमारे सिंग और पूंछ नहीं निकले हैं, तो अभी भी मैं वैसे ही दिखता हूं. मैं जब नहाकर अपने आप को अवलोकन करता हूं मिरर में, तो मैं कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखता हूं, अदर देन यू नो बेली थोड़ा आ जाना वगैरह, बट दोज आर फूड हैबिट्स मोर देन द इवोल्यूशनल चेंज. तो कमिंग टू द सोशल चेंज, जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अमेरिका में और ये वर्ल्ड को कैसे डिस्टर्ब करेगा, कि अभी एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था एक एग्रीकल्चर फोरम में, जहाँ पे जीएमओ सीड का काफ़ी डिस्कशन चल रहा है. ये पुराना टॉपिक है, महाराष्ट्र में आई थिंक ब्लैक कॉटन सीड या कुछ उसका ऐसा नाम था, जिसको काफ़ी विरोध हुआ था. सम काइंड ऑफ अ सीड विच इज़ मेड इन अ वेस्टर्न, मेनली अमेरिका में मैन्युफैक्चर किया गया है. और सीड का इम्प्लीकेशन ये देखा गया है कि इस सीड से जो अभी खाना पैदा हुआ है, उससे लोगों का टेंडेंसी टू बिकम LGBT, लिस्बियन एंड गे, वो एक कोरिलेशन देखा गया. अगेन ये कोई अथॉरिटेटिव स्टडी नहीं है, बट ये आर्टिकल्स काफ़ी आ गई है बाजार में. और अमेरिका के अंदर आप देखेंगे, देखिए LGBTQ दो तरह का होता है. हमारे शास्त्र में भी शकुनी थे और सब मेंशन था. एक तो होता है कि यू नो भगवान के द्वारा दिया हुआ जो है उसको आप एक्सेप्ट करें. दूसरा है कि भगवान के द्वारा दिया हुआ चीज़ अगर आप लेस्बियन या गे हैं, तो बहुत कम संख्या में होता है. बट जिस तरह से अमेरिका में ये महामारी, आउटरोड से महामारी, बट जिस तरह से ये फैल रहा है, एक्सपेंशन एज ए वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, और जिस तरह से गवर्नमेंट रूल्स चेंज कर रही है, चाहे वो लिंक्डइन में हिम और हर लिखने का, या एंथनी ब्लिंकन मैन पावर जैसे वर्ड, फादर या मदर जैसा वर्ड, या सो मेनी थिंग्स जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इसको बैन किए हुए हैं कि ऐसा वर्ड ना यूज़ करें जहाँ पे मैं जेंडर दिख रहा है. और जिस तरह से स्वेच्छा से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक इंडियन महिला, काफ़ी सक्सेसफुल महिला है, उनको एक इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन गर्ल जो कि 40 इयर्स की है, और वो लिस्बियन है, और उसकी वाइफ है, ऐसा प्रेस में दिया गया. तो आप इसका इम्पैक्ट समझिए भारत के ऊपर. अगर भारत में चंद्रचूड जी जो चेंजेस लाना चाहते हैं इस विषय पे, वो उनका इन्फ्लुएंसर कौन है, और उसको बड़े स्केल पे कैसे घुसाने की कोशिश की जा रही है भारत जैसे एक ट्रेडिशनल समाज में. ये एक सोशल बहुत बड़ा चेंज होने वाला है. आई थिंक कि आई एम नॉट श्योर कि कैसे जाएगा, बट अगेन वंस अगेन व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आप बायोलॉजिकली गे या लिस्बियन पैदा होते हैं, तो यू हैव फुल राइट टू प्रैक्टिस और डू वॉट एवर. आप हमारे जैसे हैं, आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर एक पीडोफाइल, एक स्वेच्छा से बना हुआ आदमी, एक समाज में फैशन के हिसाब से कोई ये सब बनने लगे, तो दिस इज वेयर दैट सीड वाला वो खान पान पर जो मैंने बात किया, जो रिसर्च चल रहा है, और किस तरह अमेरिका इसको बेच रहा है वर्ल्ड ओवर, ये बहुत बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है.
दूसरा है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर 2 सालों से चल रहा है। सरप्राइजिंगली ये जो रेड सी में जो इश्यूज हो रहे हैं हुतीज का, अभी विभूति जी ने भी बोला, अब हुतीज जैसे ग्रुप अब ये कह रहे हैं कि हम रेड सी में अपना लड़ाई वड़ाई कम कर देंगे अगर इसराइल पैलेस्टाइन को नहीं मारेगा। सो आप देख रहे हैं कि कितना स्मार्टली अब वॉर को, पहले तो अब हुआ कि भाई खुद नहीं लड़ेंगे तो ड्रोन यूज करेंगे, अब ड्रोन वगैरह तो जो है सो है, अब है कि आउटसोर्स हो रहा है। अभी आप केरला के 3 इंडियन बच्चे का रशिया रशिया आर्मी के द्वारा इंडक्ट करना और वॉर कराना। कल को मैंने एक एक बिहार बिहार के एक फोरम में लिखा कि बिहार में जो इतना बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है और 25 सालों तक ये पॉपुलेशन एडवांटेज नहीं जाएगा नीचे, और ये साउथ और नॉर्थ का इंडिया में जो डिबेट शुरू हो गया है, कल को बिहार के लोग अगर एक भी बच्चा अगर यूक्रेन और रशिया चला गया वॉर करने और चाइना चला गया और वहां पे उसको डॉलर और पाउंड में पैसे मिलने लगे, तो आप इमेजिन कीजिए कि भारत सरकार उसको रोक पाएगी? वो कहेंगे कि भारत में हम कहीं जाते हैं हमें सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हो, तुम लोग हमारे स्टेट को डेवलप नहीं किए, राइट? ये बहुत बड़ा खतरा है जो मैं अभी वॉर्न कर रहा हूँ। वो इतना बड़ा यूथ पॉपुलेशन है, कल को उनको रशिया चाइना और अदर कंट्री उनको उनको मर्सिनरीज की तरह वॉर में एक प्रॉपर ट्रेनिंग देके बुलाती हैं और उनको $1,000 पाउंड या यूरो देने लगी, नो कंट्री कैन स्टॉप देम। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वर्ल्ड के लिए और वर्ल्ड उसको टैप करेगी। आप सो ये एक चेंज है जो मैं देख रहा हूं कि जो जो वॉर टाइप के इकोनॉमी की बात हो रही है। सो मेनी थिंग्स टू टॉक आदित्य जी, आई थिंक ये लंबा हो रहा है, तो एज वी प्रोसीड वी कैन टॉक। यू नो चेंज डेफिनेटली आ रही है और वी ऑल पर्सनल लाइफ से लेकर कंट्री वर्ल्ड एवरीवेयर वी आर फेसिंग दिस चेंज। एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, एकदम डाइवर्जेंट पॉइंट्स हैं, और इट शोज स्कॉलरशिप ऑन बोथ विभूति जी एंड शरद जी। एकदम डाइवर्स आपने पॉइंट्स लिए हैं, जबकि दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मुझे क्या लगता है, अगर इतिहास के दृष्टि से देखो, जो डीपॉपुलेशन करने का जो प्लान था वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि वर्ल्ड को डीपॉपुलेट किया जाए ज्यादा, सो दैट रिसोर्सेज आर कंज्यूमेबल फॉर ऑल, ये मुझे बड़ा अधर्मिक प्लान लगा शुरू से। और हमारे बहुत सारे भारतीय लोगों ने भी इसको प्रमोट किया, और जबकि मैं शुरू से ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब करीब 20-30 साल से बोल रहा हूँ कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, एक्चुअली रेट इज डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग। भारत की ओवर पॉपुलेशन का जो जो ओवर पॉपुलेशन लोग बोलते हैं, वो जगह ही ऐसी है जहां पे हमेशा से, इतिहास के सृष्टि के आरंभ से देखेंगे तो पॉपुलेशन ज्यादा रही है। द्वापर युग में, त्रेता युग में, हर जगह पॉपुलेशन ज्यादा ही रही है, और वही उसका स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि वी नीड गुड पीपल इन द सोसाइटी, धार्मिक सोसाइटी में। तो डीपॉपुलेशन मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता है जो बिल गेट्स करते हैं। दूसरा मुझे चिंताजनक लगता है वेस्टर्न नैरेटिव्स ऑन हिस्ट्री। वेस्टर्न नैरेटिव्स ऑन हिस्ट्री इज क्रिएटिंग अ वेरी रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन इन द वेस्ट। वो अभी दिख रहा है, इलेक्शन में दिख रहा है, जिस तरह लोग वापस जा रहे हैं यूरोपियन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि अमेरिका जैसा देश यूरोपियन देश नहीं है। ये नेटिव अमेरिकन की भूमि है, यहाँ का कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, लेकिन उसको कभी भी उसको निग्लेक्ट कर दिया गया। ये मुझे दूसरा चैलेंज लगता है कि हिस्ट्री से खिलवाड़, और सोशल मीडिया में अभी हिस्ट्री सबकी वापस, आज लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, तो दैट इज आई थिंक ए बिगेस्ट वरी ऑल्सो, क्योंकि इसके लिए वॉर्स क्रिएट किए जाएंगे। और तीसरा मुझे जो आपने शुरू में टच किया यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट का, मैं वर्ल्ड वॉर 3 का कोई प्रिडिक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि एशिया इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, इंडिया इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट किसी भी हालत में, जबकि इंडियन गवर्नमेंट हैज गॉन टू ओवर द लेंथ ऑफ। चाइना के गलवान इंसिडेंट में इंडियन आर्म फोर्सेज को पूरा चांस था कि वो जाए, वो लेकिन नहीं गए, वो दे आर इन अपर हैंड, दे डिड नॉट एक्सपेंड द कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 का कोई चांस है, लेकिन यूरोपियन वॉर इंटेंसिफाई होगा और वो कॉलोनीज तक जाएगा, उसका भी मुझे थोड़ा संदेह है। लेकिन यूरोप में डेफिनेटली टाइम्स आर ट्रबलिंग, और इकोनॉमी पे मुझे लगता है सबका फर्क पड़ेगा। एक्चुअली शरद जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट टच किया कि सीड्स के ऊपर, GMO, क्योंकि भारत को ही A1 गाय, जर्सी गाय भारत को ही क्यों बेची जा रही है? अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है भारतीय गायों को और एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी गायों को, जिनका मिल्क का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो दैट
इंडिया शुड ऑल्सो वरी अबाउट कि डीपॉपुलेशन जो भारत के लिए जो स्ट्रेटेजी चल रहा है लोगों का, विच इज इंडिया कैन नेवर ट्रस्ट एनी वेस्टर्न साइंटिस्ट, वेस्टर्न रिसर्च या वेस्टर्न पब्लिकेशन फॉर एनी थिंग पर्टेनिंग टू इंडिया. तो फूड प्रोडक्ट्स पे तो डेफिनेटली बैन लगना चाहिए, जस्ट लाइक अमेरिका डजंट अलाउ अदर कंट्रीज और अमेरिकन सिटीजन्स हु आर कमिंग टू अमेरिका और रेजिडेंट्स टू इम्पोर्ट एनी सीड फ्रॉम आउटसाइड, दे डोंट अलाउ. Why India is allowing seed import from other countries? That is a question which we need to ask also. ये हिंदुओं के विरुद्ध एक मुझे लगता है एक साजिश है, और ये मुझे चिंताजनक लग रही है कि food, vaccine, education, these three are the biggest challenges for Sanatan population or Indian population, according to me. Vibhuti ji, you want to continue with add some other point aspects? Actually, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने शुरू में चर्चा की थी टेक्नोलॉजी के बारे में. इन योर एस्टिमेट, इन योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आप तो टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं बहुत और टेक्नोलॉजी में काफी माहिर हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो होगा न्यूज डिसमिनेशन, समाचार का जो वितरण होता है, अब उसमें ओपिनियंस News, they are two different things altogether, right? तो आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के कारण क्या असर पड़ेगा लोगों पे, क्योंकि अब बाइडेन भी टिकटॉक पे आ गए, देखिए, क्योंकि टिकटॉक की अपनी पॉपुलेशन है. वो चर्चा हो रही थी कि जितने सारे जनरेशन जो हैं, अब टिकटॉक जनरेशन जो है वो तो नहीं पढ़ता फेसबुक वगैरह कुछ, वो तो टिकटॉक पे जाता है, वो न्यूज गैदर भी वहीं से करते हैं. तो जिस कंट्री ने ऑफिशियल बैन किया हुआ है टिकटॉक पे, ऑफिशियल यूज नहीं करें, बाइडेन चले गए उस पे इलेक्शन स्ट्रेटजी को लेकर के. आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में यूएस में और इंडिया में, खास करके जबकि मैं दोनों को बहुत ही प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज कहता हूं, मैं नहीं कहता कि एक मजबूत है, एक वीक है, एक पुराना है, एक नया है, ओल्ड बिग, ऑल दैट नॉनसेंसिकल एडजेक्टिव्स आई डोंट गो बाय. आई से दीज आर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. Call it by any correlation. How do you see technology impacting our way of life and news we consume, the opinions we consume, the opinions we create? So, सबसे पहले आपने TikTok की बात करी. America का TikTok का CEO Singapore का citizen है. It is not a Chinese citizen. American data on TikTok is only for Americans. वो बाहर कहीं नहीं जाता. बट प्रॉब्लम इज फॉर अदर कंट्रीज ऑन टिकटॉक, क्योंकि उन सबका डेटा चाइनीज सर्वर्स पे सेव्ड है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज द चाइनीज इंटेलिजेंस यूजेस दैट डेटा टू वीकन द सोसाइटी. मैं बहुत जगह बोल चुका हूं कि चाइनीज हैव लर्न द आर्ट ऑफ डिसेप्शन फ्रॉम द वेस्ट, और दे एंड दे हैव बिकम बेटर इन दैट, बेटर इन दैट. सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है इंस्टाग्राम और फेसबुक से, नॉट ट्विटर, इंस्टाग्राम फेसबुक से. आप भारत में देखेंगे कि वैल्यूज को कितना इरोड किया गया इंस्टाग्राम के माध्यम से. आजकल हमारी बहनें और माताएं ओपनली डांस कर रही हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और दिखा रही हैं, और ये वीडियोस काफी पॉपुलर हो रहे हैं. तो अगर किसी को आपके समाज पे आक्रमण करना है, सबसे पहले आक्रमण किया जाता है स्त्रियों के ऊपर और बच्चों के ऊपर. तो जिस तरह हमारी बहनें और हमारी माताएं डांस कर करके, और मैं मुझे डांस से कोई आई एम नॉट अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डांस, हम लोग तो भगवान के लिए भी डांस करते हैं मंदिरों में जाके, लेकिन वो जो वल्गैरिटी है दैट इज डिस्ट्रॉइंग द हिंदू सनातन वैल्यूज इन ए बिग वे, वल्गैरिटी. और वो लोग, अगर आप अमेरिका को देखेंगे कि इतना अमेरिकन के वीडियोज नहीं आते हैं डांस वांस करने वाले, अमेरिकन के वीडियो होते हैं इंफॉर्मेशनल वीडियोज, लेकिन इंडियन जो वीडियोस आ रहे हैं इंडिया में आ रहे हैं. एंड आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी ओल्ड. दिस टेक्नोलॉजी इज 1937, 1953, इस सब के टॉपिक्स हैं ये. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नोलॉजी होती है, यू करेक्टली सेड वी आर द बिगेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका ऑन AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स. लेकिन AI का जो टेक्नोलॉजी है, इट कैन टेक इट्स ओन decisions, और वो सबसे चिंताजनक बात है. And the more bad information you feed is what is going to give you back. It's like garbage in, garbage out. सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है उसमें सनातन वैल्यूज पे. कोई भी सर्च करे मिथोलॉजी का संस्कृत का अर्थ, वो बोलेगा पौराणिक,
पुराणिक बोलेगा, मतलब पुराण मिथोलॉजी है, और हमारी जो स्टोरीज हैं उनको इतना विकिपीडिया के माध्यम से कन्वर्ट किया गया है, बिकॉज वी डोंट कंट्रोल द डेटा, इट इज जस्ट कलेक्टिंग डेटा, एआई रूटीन्स आर ओनली कलेक्टिंग द डेटा एंड गिविंग यू अ पॉपुलर वर्जन फ्रॉम द यूरोपियन पर्सपेक्टिव, और हमारे बच्चे उसी को सत्य मान लेंगे। तो नॉट ओनली यू शुड रिजेक्ट चैट जीपीटी, यू शुड ऑल्सो रिजेक्ट गूगल एआई, यू शुड ऑल्सो रिजेक्ट व्हाट्सएप एआई, ट्विटर एआई, ऑल दीज थिंग्स यू शुड रिजेक्ट, क्योंकि इसमें सारा वेस्टर्न कॉन्स्ट्रक्ट है। इट इज कोलोनाइजेशन पार्ट टू, नॉट पार्ट वन। हम लोग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, यूएन में डिकोलोनाइज करें, जयशंकर जी ने बड़ा साफ बोला कि कोलोनाइजेशन वॉज कंटिन्यूड थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, WHO, IMF, दीज आर ऑल कोलोनाइजेशन टूल्स। और इसके बारे में मैं अपनी बुक में लिख चुका हूँ 3 साल पहले, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में लिख चुका हूँ कि द कोलोनाइजेशन इज जस्ट रिप्लेस्ड, इट वॉज नेवर ओवर। तो अगर तो डीकोलोनाइजेशन विल बी इम्पॉसिबल, तो ये लोग का स्ट्रेटेजी क्या है, ये सब लोग हैं क्या बोलेंगे इसको, त्रिशंकु, और ये लोग अभी किस तरह जा रहे हैं, इन्होंने यूएन को अभी नेगेट कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू कोलोनाइजेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। पीपल विल स्टिल थिंक ऑफ वेस्ट एज देयर गुरु। हम लोग विश्व गुरु की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ पश्चिम गुरु, पश्चिम गुरु ही बात हो रही है यहाँ पे, जबकि वी शुड बी द सेंटिनल्स ऑफ ट्रूथ, यू नो, हम लोग सत्य के गुरु होने चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए पूरी दुनिया को। दैट द बेसिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज लॉस्ट विद दिस टेक्नोलॉजी कैंपेन, एक्चुअली फॉर सामान्य लोगों के लिए। मैं यही सवाल शरद जी से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है डेटा को, यू नो, जैसे कि जैसे मैं, यू नो, टेक्नोलॉजी में मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, दैट इज बिग डेटा, क्योंकि वर्किंग विथ अमेरिकन एक्सप्रेस वी न्यू व्हाट इज बिग डेटा, बिकॉज अगर आपने हमारे अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को स्वाइप किया, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, फ्रॉम वेयर टू वेयर यू शॉप, व्हाट क्लोथ्स यू बाय, व्हाट साइज यू बाय, यू नो, where you vacation, where you eat, what's your income, we know everything about you. So big data जो आजकल चल रहा है शरद जी, आप कैसे देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग सदुपयोग कैसे होगा AI के तौर पे? जैसे आदित्य जी ने बताई कि AI तो 19 कितने सालों से चल रहा है, which is true. You know, predictive technology की चर्चा जो वो बनी थी Minority Report movie was based on a story written in 1953. Correct. So, आज कैसे देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के सहारे हम कनेक्टेड हैं 3 अलग अलग जगहों पे और एकदम लाइव चर्चा कर रहे हैं, तो बताइए आपका क्या होगा कि इसका असर कैसे पड़ेगा और कैसे लोग मैनेज करेंगे इसमें? डांस तो जाने दीजिए, अपनी छोटी सी बात है, लेकिन मैनेजमेंट ऑफ द डेटा, मैनेजमेंट ऑफ द माइंड, उससे कैसे बचें या उसका कैसे सदुपयोग किया जाए? बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत ये सवाल खासकर सभी पेरेंट्स को, हम लोग सभी पेरेंट्स हैं और हमारे बच्चे हैं और वी कैन सी दैट। मैं टेक्नोलॉजी का स्वागत करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग विच हैपेंड एंड आई लव द टेक्नोलॉजी। एंड मेरा जो व्यू है थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम आदित्य जी कि मैं चैट GPT वगैरह का विरोध नहीं करना चाहूँगा। टिकटॉक वाज अ डिफरेंट इश्यू, बिकॉज आप जितना विरोध करेंगे उतना एक एंटी ग्रुप पैदा करेंगे अपने बच्चों में। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम का जो फिक्स है, प्रॉब्लम जैसे कि अपना सनातन धर्म का जो फंडामेंटल्स है, ये आप बचपन में बच्चों में डालना पड़ेगा बिफोर दे बिकम अ टैक जनरेशन किड, बिफोर वो इंस्टा पे जाते हैं, वहां जाते हैं, उसके पहले इनके सब कॉन्शियस में ये पैरेलली पेरेंट्स को डालते रहना पड़ेगा, ठीक है? सो दैट इज नंबर वन। ये हम लोग मिस कर रहे हैं, हम लोग बहुत वेट लेट तक वेट करते हैं जब बच्चे एक सेमी ग्रोन प्रोडक्ट बन जाते हैं। आपको बहुत शुरुआत 3 साल के एज से, 2 साल के एज से उनको पूजा कराइए, उनको उनके सब कॉन्शियस में ये भी डालिए, जिस तरह से टिकटॉक और ये लोग डाल रहे हैं डिजिटली, आप भी घर में इमेज के थ्रू डाल सकते हैं बहुत सा चीज, भजन सुनाइए उनके उनके सब कॉन्शियस में। स्कूल जाते समय जूता वूता पहन रहे हैं, तब तक एक भजन बजते रहे घर में एंड वो माइंड में रिकॉर्ड होता है। सो पहला तो वो मैं बोलूंगा। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारी आबादी हमारी स्ट्रेंथ है,
कोई भी कंट्री, अगर कोई भी कंट्री या स्कॉलर्स या फिनेंशियल एक्सपर्ट आपको पॉपुलेशन के लिए मारते हैं, तो उनको 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 दो थप्पड़ वहीं पे लगाइए। इवन एलन मस्क ने बोला कि हमारा जो पॉपुलेशन है, अभी उसने ट्वीट किया है कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका जो प्रोडक्शन का रेट है वो इवेंचुअली रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन के जो वो देख रहा है कुछ ईयर्स में उसके बराबर भी नहीं है। मीनिंग कि क्या मानव ह्यूमन सिविलाइजेशन ही वाइप आउट हो जाएगा से 500 ईयर्स 1000 ईयर्स इस तरह से अगर हमारा ग्रोथ रेट इम्पैक्टेड हुआ, और उसके बाद से जिस तरह से LGBTQ आ गए हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल पेरेंट ना बन के आप अडॉप्ट करने लगेंगे, तो देर आर सो मेनी चैलेंजेस। और इंडिया को जो बेचा जा रहा है इससे हमको बचना पड़ेगा, और ये सभी कुछ होगा तब जब हम सनातन का ज्ञान देंगे। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी, तो देखिए मैं तो इससे इससे फियर के बजाय मैं इसको अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहूंगा इस AI टूल को। और वो कैसे, मैं एकदम गांव-गांव तक बच्चों को AI का शिक्षा अपने अपने एजुकेशन सिस्टम में डालूंगा कि वो AI सीखे। और एक ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक सेंट्रल सर्वर नहीं है, एक सेंट्रल सिस्टम नहीं है जो सारा डेटा रखा हुआ है, देयर आर मल्टीपल सर्वर्स, टेक्नोलॉजी को AI के टेक्नोलॉजी को विच इज नथिंग बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द कंटेंट, चाहे आदित्य जी के बुक्स हो, हमारा कुछ ये भाषण हो हम लोग का, ये एक ऐसा कंटेंट बने कि वो इतने बिलियंस कंटेंट पैदा करे कि कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम की भी लग जाए अगर वो इतना मैनिपुलेटेड भी अगर है। और वो जैसे कि अभी अभी एक रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ गूगल का, कि गूगल का जो जेमिनी AI है वो उसमें डिक्टेटर टाइप करने पर मोदी जी का इमेज को उसने पॉपअप किया, और उसके लिए गूगल ने माफी मांगा, और उस पूरे प्रोजेक्ट को अभी दे आर रीविजिटिंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। लेकिन सेम एल्गोरिथम में जब डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखा गया या यूक्रेन के प्रीमियर का नाम लिखा गया तो कुछ नहीं आया। मीनिंग कि एल्गोरिथम को भी किस तरह से इम्पैक्टेड किया गया है। और ये इसमें से आई वुड से कि ऐसा कहीं नहीं होगा कि इस एल्गोरिथम में किसी भी इंडियन का हाथ ना हो, या छोटे से टेस्टर के रूप में हो, या कोड लिखने के रूप में हो, या आर्किटेक्चरल टीम बोर्ड रूम में बैठकर उसमें अपना अप्रूवल देने का हो। तो अभी हम उस जनरेशन से फेस करेंगे, लेकिन जब हमारे भारत में इतने लाखों सैनिक पैदा होंगे जो AI को जानते हैं और उनके पास न्यू आइडियाज आएंगे, और ये सप्लाई चेन जो SCM का जो कॉन्सेप्ट है कि सॉरी ब्लॉक चेन का, कि डिफरेंट कंट्रीज विल बिकम अ ब्लॉक फॉर दिस एंटायर चेन ऑफ आइडियाज को बनाना, तो वेस्ट का हम वो पावर छीन सकते हैं। ये अभी आइडिया फेज में है, हमारे आर्किटेक्ट लोग इसको और फर्दर डीप डाइव करके इसको टेक्नोलॉजिकली बना सकते हैं। आई थिंक दैट इज वॉट इंडिया शुड फोकस, एंड गवर्नमेंट का ये पूरा इम्पैक्ट होना चाहिए। हम इतना डेटा घुसाएंगे सिस्टम में कि कल को विकिपीडिया का डेटा को 5 times 20 times ओवर रूल करेगा, और जब भी बोलेंगे मोदी सॉरी जब भी बोलेंगे डिक्टेटर तो वो राइट इमेज दिखाएगा जो हम सनातनी या हम एशियन जानना चाहते हैं। तो ये कपल ऑफ थिंग्स है जो हम लोग कर सकते हैं। रादर देन पुलिंग आउट आई विल बी एग्रेसिवली गेटिंग इन टू द गेम एंड से यस ब्रिंग इट ऑन। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूंगा विभूति जी, एक पॉइंट और ऐड करूंगा, मेरे स्किप हो गया। भारत में डेटा सेंटर्स नहीं है, और भारत का खुद का डेटा कंट्रोल नहीं है, भारत में ऐप स्टोर्स नहीं है। तो मतलब जो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा वो अमेरिकन एप्पल से लेना पड़ेगा या गूगल से लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जिस तरह मैं कभी भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो पार्लियामेंट बैठे हुए हैं ये कभी भी हियरिंग नहीं करते हैं कॉर्पोरेट्स की। अमेरिका में रेगुलरली हियरिंग होती है, फेसबुक को बुलाया जाता है, यहां तक कि जो सिंगापुर का जो CEO है टिकटॉक का उसको बुलाया गया हियरिंग के लिए। हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब फ्रीली ऑपरेट हो रहे हैं, और हम लोगों ने कभी भी हमारे जो पॉलिटिशियन उन्होंने कभी बुलाया नहीं, किसी को पता ही नहीं है। भारतीय पॉलिटिशियंस को ये भी नहीं पता कि इतिहास क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो तो NCERT टेक्स्ट बुक से ही जा रहे हैं। सो अनटिल एंड अनलेस देयर इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीस पीपल, मेरे हिसाब से तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो भारत का जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, दे शुड हैव रेगुलर हियरिंग फ्रॉम दीस पीपल, दीस गाइस शुड बी पब्लिशिंग ए पब्लिकली डिबेटेड आंसर देना चाहिए भारतीय प्रजा को, बिकॉज दीस गाइस आर, जैसे अमेरिका को प्रॉब्लम टिकटॉक से, भारत को प्रॉब्लम होनी चाहिए इंस्टाग्राम से, फेसबुक से प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि दीस गाइस आर अफेक्टिंग इट। तो वी आर टेकिंग द वर्स्ट साइड ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी,
भारत में कोई लिमिट नहीं है इन सब चीजों को दिखाने की. आई नो कि देर आर सम लॉज देयर, बट कोई लिमिट नहीं है. डी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, सारे सर्वर्स रिलोकेट होने चाहिए. डिवेलपमेंट फॉर इंडिया मस्ट बी इन इंडिया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1.4 बिलियन पीपल. 140 करोड़ लोगों की बात हो रही है, से एक दो मिलियन की बात नहीं. मतलब कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप कंबाइन, उससे ज्यादा लोग, उससे 0.5 टाइम्स लोग की बात हो रही है. तो व्हेन सच ए लार्ज पॉपुलेशन इज देयर विच कैन बी इजिली इन्फ्लुएंस, यंग पॉपुलेशन है, तो वी शुड बी टेकिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मच मोर सीरियसली. और हमको और आपको कोई सुनेगा नहीं, हम लोग वी आर द टेक्नोलॉजी गाइस फ्रॉम यूएसए और हम लोग सक्सेसफुल करियर्स के साथ हैं. तो लेकिन हम लोगों को सुनेगा नहीं भारत में, बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ द से दिया. तो हम इस शो के माध्यम से भी लोगों को बता रहे हैं कि व्हाट स्टेप्स दे नीड टू टेक. अगर इन्फॉर्मेशन 2.5 की बात होती है, 2.5 फ्रंट्स, 0.5 फ्रंट इज रन बाय द डीडब्ल्यू चैनल ऑफ जर्मनी. डीडब्ल्यू इज अ वेरी रेडिकलाइज्ड जर्मन चैनल, वो इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस और ये सब लोग ही ऑपरेट करते हैं उसको. देन यू हैव बीबीसी, और अमेरिका में तो कोई लिमिट ही नहीं है, सारे वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, चाहे कोई भी ले ले, यू टेक अप CNN, Fox News, जो भी ले ले, they are all working against single agenda. Yeah, they are all united. ये बहुत बहुत important बात कही आपने. And जैसे कि इंडिया ने तो शायद TikTok ban किया हुआ है ना? Yep. TikTok ban किया हुआ है. Ban किया हुआ है तो उसी तरह से, you know, बड़ा interesting सा data था वो Tucker Carlson का जो Putin interview था, वो X पे more than 500 million people saw. Is that number correct? Correct, correct. Yes. But on Facebook, it was 0.1%. Think about it. That's right. Only so many people. So again, ये बात आती है कि you know हम इंसानों का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है, control and dominate. नहीं, west का ज़्यादा रहा है, west का ज़्यादा रहा है. West का ज़्यादा रहा है. ये definitely true. हमारे वैदिक, हमारे ऋषियों ने सारी विद्या फ्री में दी है. विद्या फ्री में दी है. इन लोगों ने उसको क्या चार्ज किया है? हाँ, लेकिन लेकिन जैसे कि राजा महाराजा तो हर जगह लड़ते थे ना, अपने अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए. वो तो कलिंगा वॉर के बाद हमारा इतिहास बदल गया पूरा. तो मैं ये कहना चाहता था कि कंट्रोल और डोमिनेशन, आपने कहा था ना कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वेस्ट डोमिनेट करेगा. आई कॉल इट MNCism. इम्पीरियल ओल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इम्पीरियल पावर्स हैव गॉन, बट MNCism इज द वन विच आई हैव कॉइंड द वर्ड विच इज नाउ being used to control the economies or the conversation or the polity or the business part of it, you know, through one way or the other. But that's my thought process in this regard, because one thing which I do know as a student of geopolitics and international economics, you always recognize ki yo theory of comparative advantage hota hai, economics mein kehte the, wealth of nations humne padhi thi, Adam Smith ki Chanakya Niti nahi padhi, Arthashastra nahi padha, to Bharat ke liye khas karke. You know, it's very important. मेरे हिसाब से भारत के लिए बहुत जरूरी है. आपने बिल्कुल सही कहा आदित्य जी कि हमारे अपने होने चाहिए, अपने होने चाहिए कि जहां जहां पर हम अर्थशास्त्र और अपने अपने वैदिक लिटरेचर को लोगों को बताएं और लोग उसको समझें और पढ़ें. यू नो, जैसे कि आई थिंक पिछले शो में मैंने आपसे कहा भी था कि जैसे यू नो महर्षि अवेदा, यू नो, ये सब नाम यूज हो रहे हैं यहाँ की कंपनियों के प्रोडक्ट्स के लिए. यू नो महर्षि अवेदा, एक और है दुर्गा, इज अ वंडरफुल ब्यूटीफुल परफ्यूम कंपनी. आप उसकी परफ्यूम को देखिए, मेरे पास है, ये डीएस दुर्गा नाम की चीज है. इसका जो इसको आप इसका लोशन लगाएंगे आप, तो दिन भर उसकी खुशबू रहती है और दिन भर आपके हाथ या चेहरे का जो है मॉइस्चर बड़ा रहता है. आई हैव बॉट दीज थिंग्स ओनली टू सी व्हाट द हेल इज दिस ऑल अबाउट. तो वो लोग हमारे नामों को चूज कर रहे हैं और हम जो है हमारे अपने घर बेवरली हिल्स, पार्क प्लेस वगैरह बना बना के रखते हैं. तो ये जो है कॉलोनाइजेशन कैसे कम होगा, हाउ कैन द इंडियंस डी कॉलोनाइज देयर माइंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस देयर ओन स्टैचर. शरद जी, आप तो लेखक हैं, आपको एक टॉपिक दे रहा हूं लिखने के लिए. सबसे पहले तो देखिए अवेयरनेस होना पड़ेगा. जैसे मैं शुरू में बोला कि बहुत छोटे एज में जब उनका, आजकल छोटे एज मतलब कि आप अगर आप मिडिल स्कूल तक वेट कर गए तो बच्चे आपके बैप्टाइज हो गए. बैप्टाइज इज अ वर्ड इन नॉट अ रॉन्ग वे, मैं बोल रहा हूँ मतलब कि वो कन्वर्ट हो गए.
वो एक सर्टन वेस्टर्न आइडिया से इतना वो तब तक वो इतने आवर्स ऑफ टिक टैक और वो उनके रेज्यूमे में आ जाता है. अभी वो दूध के दांत भी उनके नहीं टूटे होते हैं, लेकिन उनके रेज्यूमे बच्चों को देखेंगे तो हो जाएगा कि भाई डेली 10 घंटे के हिसाब से वो 5-6 साल में कितना वीडियो कंज्यूम किया. तो सबसे पहले तो उनको स्टोरी बताएगा कौन, राइट? क्या उनके पेरेंट्स उतने अवेयर हैं? अभी मैं न्यू जर्सी गया था तो वहाँ पे एक काफ़ी डायस्पोरा के बच्चे, बोथ फ्रॉम दक्षिण ऑफ भारत एंड नॉर्थ ऑफ भारत, सभी के पेरेंट्स लोग आए थे, बच्चे लोग खेल रहे थे. और फिर बच्चे लोग थोड़ी देर खेलते खेलते वो लोग स्टार्ट हो गए नॉर्थ साउथ का डिस्कशन इन न्यू जर्सी. दिस इज जस्ट 2 वीक्स बैक. वो बोल रहे थे सो अपने में वो लोग लड़ रहे हैं. तो देखिए, नॉर्थ साउथ का जो स्टोरी इंडिया में शुरू किया गया बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, वो यूएस में आ गया. यहाँ के बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, इंडियन अमेरिकन बच्चे, कि मैंने साउथ में साउथ इज बेटर, ये इज बेटर है, टिपिकल बच्चे का जो राइवलरी होता है. लेकिन देखिए कितना आराम से वो नैरेटिव बिना प्लान के यहाँ पे आ गया. तो मुझे लगता है कि जैसे आपका जो प्रश्न था कि कैसे ये सब डाला जाए, तो शुरू बहुत बहुत यंग ऐसे हमें रामायण महाभारत और हमारे पुराण का स्टोरी को अच्छे तरह से बताया जाए. बताने वाले पेरेंट्स को भी जानकारी हो कि वो हवा में तीर ना चलाएं. अगर नहीं बता सकते हैं तो ऑडियो विजुअल कुछ ऐसे काफ़ी ऐसे बने. आई थिंक एक नेशनल कल्चरल हेरिटेज कुछ ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इन सब लिटरेचर को एक प्रॉपर जो एक्सेप्टेड और ओरिजिनल फॉर्म में है वैसे परोसा जाए. छोटे छोटे रील बना के, कैप्सूल बना के, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को कैसे बच्चे उससे इन्फ्लुएंस हो, उनके रोल मॉडल हमारे स्क्रिप्चर से आने चाहिए वेरी यंग एज में. और उसको फोर्स नहीं कीजिए, वो बिकॉज नेचुरली वो लेंगे, बट वो रील अच्छा बनना चाहिए, राइट? उनके ही टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल, कंटेंट पर कंट्रोल हमारा होना चाहिए. उसके बाद अगर अगर उनको एज दे ग्रो, जैसे कि कॉलेज में जो कल्चरल इवेंट्स है, यू नो, रादर देन ऑलवेज प्लेइंग अ रोमियो जूलियट और वेस्टर्न और अ वॉर और ऑल दोस थिंग्स विच इज आल्सो रिस्पेक्टेड, हमारे जो रैंकिंग सिस्टम में कॉलेज में क्रेडिट देने के सिस्टम में, अगर आपका वो सब बैकग्राउंड आपके रेज्यूमे में है कि आपने एक रामायण प्ले किया, आपने महाभारत का एक प्ले किया, तो उन बच्चों को आप एक इंस्टीट्यूशनली थोड़ा फायदा दीजिए. देखिए अपने आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग करने लगेंगे ये सब चीज. तो और लास्ट में होगा कि अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बिकम अ रोल मॉडल, ही इज वन मैन आर्मी. वो द्वारका में भी स्कूबा डाइविंग करके पूजा कर रहे हैं, वो मिडल ईस्ट में जा रहे हैं मंदिर को इनॉग्रेशन करने के लिए, वो अयोध्या में रहे, वो दक्षिण में गए, वो उड़ीसा में गए, एवरीवेयर ही इज गोइंग. सो एक मोदी जी इज अ मॉडल जो उन्होंने एक सीड बो दिया, लेकिन इसको आगे लेके जाने के लिए क्या हमारे पास फॉलो अप एक्शन है? क्या फिल्म इंडस्ट्री से, क्या मीडिया से, क्या स्पोर्ट्स से, पॉलिटिक्स से, साइंटिस्ट समाज से, ऐसे ऐसे कुछ चिन्हित लोग जो इसको प्रोपोगेट करें, बढ़ाएं और बच्चों को बताएं कि दिस इज द कूल थिंग, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस. वो झिझक उनसे तोड़ें. अब जैसे चंद्रयान वगैरह जो प्रोजेक्ट हुआ, इसरो के साइंटिस्ट लोग का मंदिर में जाना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा हमारे बच्चों का. हम लोग को अभी लग रहा है कि ये नहीं है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है. तो सोशल मीडिया का रोल है, मीडिया का रोल है, ये विजुअली इसको और कैसे अच्छा किया जाए, एक कल्चरल डिपार्टमेंट हो सकता है. बट इन अ डेमोक्रेसी आई विल नॉट से कि कल्चरल डिपार्टमेंट इतना स्ट्रांग हो जाए कि कल को वो मोदी जी मान लीजिए आज है तो हमें सब अच्छा लग रहा है, कल को मान लीजिए कि कांग्रेस आ गई या कोई और गवर्नमेंट आ गई और वो कल्चरल डिपार्टमेंट के थ्रू ये सारे औजार को यूज करके एक दूसरे तरह का समाज बनाने लगे. तो ये डबल एज सोर्ड है, देर इज नो डेफिनेटिव आंसर. आई थिंक घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी सभी को, ऑल दी सनातनीज को, अपने बच्चों को अपने स्क्रिप्चर्स से, हीरोज अपने स्क्रिप्चर्स से दीजिए उनको, बाकी वो खुद करेंगे. मेरे को विभूति जी एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ये जो वॉर की इकॉनमी है, क्योंकि वॉर की इकॉनमी इज ऑल्सो अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड, वॉर ऑयल और बैटरीज, लिथियम आयन. अभी लिथियम आयन की बैटरीज को लोग थोड़ा उसके शेयर्स डाउन होंगे, पीपल आर डिस्कवरिंग हाइड्रोजन फ्यूल्स एंड अदर थिंग्स. ये जो वॉर इकॉनमी है, हाउ, मेरे हिसाब से वो बहुत बुरी तरह इन्फ्लुएंस कर रही है पूरी दुनिया को.
भगवद गीता का एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, जो असुर जो है चिंता रयाम अपने याम, चिंता ही करता रहता है। पूरे वेस्ट ने ह्यूमन राइट्स के बहाने में की आड़ में टेररिज्म दे दिया, पूरे वेस्ट ने डेमोक्रेसी की आड़ में रिजीम चेंज ऑपरेशन चलाया, है ना। और हम लोग उसको बड़ा ऊपर मानते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी है, हम लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन। ह्यूमन राइट्स के चैंपियन तो ह्यूमन राइट्स तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए वेस्ट में, कभी है ही नहीं। आप तो देखते हैं कि टेक्सास में एक इंसिडेंट हुआ था पुराने चर्च में, दे पुट ए कैनन आउटसाइड द कम्यून, इंसिडेंट है बड़ा उस जगह का नाम है टेक्सास में, दे पुट ए कैनन आउटसाइड द कम्यून, दे गैस गैस चैम्बर डाल दिया उन्होंने टू किल द पीपल ओवर देयर। तो ह्यूमन राइट्स तो कभी है, डिप्लीटेड यूरेनियम यूज किया वहां पर एंड रिसेंटली कहां पे यूज किया। तो हाउ इज दिस नैरेटिव, ये बड़ा चिंताजनक भी है, क्योंकि लोगों को पता तो होना चाहिए एटलीस्ट, चिंता ना करें, हरिनाम लें, चिंता ना करें, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, प्लीज इस पे थोड़ा कमेंट करिए। ये तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो पांचों मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स जो हैं, उनको तो रिजाइन कर देना चाहिए, कुछ शर्म होती तो, क्योंकि वो जो है यू नो मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वेपन्स आर सोल्ड बाय दीज फाइव कंट्रीज, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो वो क्यों लड़ाई रुकवाएंगे, क्योंकि उनकी उन पांचों की इकोनॉमी जबरदस्त चल रही है। वॉर बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस, यू नो इट्स लाइक सेइंग दैट वेपन्स आर टू ब्रिंग अबाउट। बाय द वे जब मैं स्कूल में था तो वी हैड अ डिबेट दैट इज न्यूक्लियर आर्सेनल अ फॉर्म ऑफ डिटेरेंट फॉर न्यूक्लियर वॉर। सो थिंक अबाउट इट, आइडियोलॉजी का हाउ द ब्रेन वॉशिंग इज डन। And several people argued उन दोनों debate में हुआ था, हुई थी बात, तो कहा था कि नहीं, nuclear power can be a deterrent for others to attack you. Think about it. So you are right, Aditya ji, 100%. You कहते नहीं है कि war and peace, heroes and villains, good and bad, धर्म अधर्म, ये सब साथ साथ चलेंगे तभी दूसरे की भी भाव बढ़ती है। To put it in a very mundane layman's language, every hero needs a villain, right? So war to rahegi, ye to dharma yuddh to hona padega, Arjun ko bhi ladna pada tha 18 chapter sunne ke baad. To ye jo hai important cheez ye ho gayi hai ab mere vichar se ki aap dekhenge bahut tarah ke diplomatic words use kiye jate hain, oh Israel acted disproportionately. Are bhaiya, छोटा सा कंट्री है, आपके 100 मरेंगे तो उसके एक के बराबर है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है, करेक्ट। तो व्हाट इज प्रोपोर्शनेट, आपने मुझे आके जोर से दे दना थप्पड़ मारा एक दो, तो मैं आपको मुक्के से मैंने आपको हिट ठोका, तो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कैसे मेंटेन करेंगे, कौन डिसाइड करेगा व्हाट इज प्रोपोर्शनल, यू नो क्या प्रोपोर्शनल डिसाइड करके लड़ाई होती है क्या, विल आई किल 5 ऑफ योर्स यू किल 50 ऑफ माइन। और जिस तरह से हमास कर रहा है कि फॉर एवरी हॉस्टेज दैट आई विल रिलीज यू विल गिव मी 1000 ऑफ माइन और 100 ऑफ माइन, इज दैट प्रोपोर्शनैलिटी। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोगों को अब समझना पड़ेगा इस मामले में, इट्स वेरी क्रिटिकल। ये छोटी सी बात नहीं है, मजाक भी नहीं है कि किस हद तक हम किस हद के बाहर जाएं। लक्ष्मण रेखा का पालन करें ना सब, अपने अपने व्यवहार में, अपने अपने व्यवहार में एक लक्ष्मण रेखा बनाएं, this far and no further, uske baad I am not responsible what happens to you, you cross my line then you don't tell me trespasses will be shot, garden pe likha rehta hai na, sab apne ke lawn pe likhe rehte hai ki trespasses will be shot, ab kahan pe shoot karu main usko, dil uda du, sar uda du, ya paon pe maar ke usko ghaal kar du, there is no proportionality about that, so it's very important, ye sare ke sare rahenge, you have to have the weapons to enforce law and order, you have to have weapons to control the mass, the ugly mass, the killing mass, so this will coexist. I don't think end of war is a solution, then we will all go to Himalaya and sit and do samadhi, but that will not end the real life scenario jo hota hai. So what happens is that how do we curb our enthusiasm, you know, कब, जैसे हमारे जो अपने वैदिक फिलॉसफी है, अपना सनातन धर्म है, कि वो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे आकर के आपको आपकी लिमिट पूरी हो जाती है,
एक संतुष्टि की बात होती है. संतुष्टि डजंट मीन दैट यू किल योर एम्बिशन, बट टू रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड द ट्रूथ कि भाई इससे ज्यादा और क्या. ठीक है ना, जैसे मेरे बेटे ने पूछा था कि व्हेन यू अर्न योर फर्स्ट मिलियन डैड व्हाट विल यू डू. सो आई टोल्ड हिम योर मदर विल स्टिल बी माय वाइफ, मे बी वी विल ऐड वन और टू मोर रूम्स टू द हाउस, मे बी वी विल बाय अ बेटर कार, बट आई विल नॉट स्टार्ट ड्रिंकिंग एंड हैविंग पिज्जास टू पुट ऑन वेट. राइट, सो देयर इज अ थिंग दैट वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यूज आवरसेल्व्स. हमें अपने संस्कार को इस तरह से समझना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा. यस, if somebody attacks my family, I will do whatever it takes to protect. I won't give a damn about proportionality at that time. So violence is part of our life. Nature also teaches us violence. When thunder and lightning happens, or the tsunami happens, or a nor'easter happens, these are all natural acts to calm down certain pravrittis. Actually, मैं एक पॉइंट मैं भूल जाऊंगा, आपने धर्म की बात करी ना जी, तो हम लोग बहुत बात करते हैं फ्रीडम की, वेस्ट के फ्रीडम की बहुत बात करते हैं. हमारे कॉन्सेप्ट में स्वधर्म इज द बिगेस्ट फ्रीडम. करेक्ट, और अगर आपका स्वधर्म पे कोई बाधा डालता है उस पे युद्ध किया जाता है, उसको धर्म युद्ध बोलते हैं. करेक्ट, जैसे दुर्योधन लोगों के स्वधर्म को रोकना चाहता था अपने कली के प्रभाव से, तो उस पे महाभारत का युद्ध हुआ, ये धर्म युद्ध हो गया. ये जो आजकल युद्ध हो रहा है, देखिये 1700s में गैटलिंग गन बनाई गई, 1800s में यूज किया गया, अमेरिका में यूज किया गया, फिर पैटर्न टैंक्स बने, टैंक युद्ध शुरू हुआ, न्यूक्लियर मिसाइल बनाई, इस सारे पश्चिमी देशों ने बनाए हैं. तो ये लोग बात करते हैं पीस की, जबकि इन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं मारने के लिए. करेक्ट, टोटल हिपोक्रेसी. एवरी सिंगल एथिक इन द वॉर इज ब्रोकन बाय देम. यस, नाउ व्हेन द अदर्स यूज इट दे कॉल इट रिवर्स रेसिज्म. मतलब मैं रेसिज्म कर सकता हूँ, आप नहीं करेंगे तो आप मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव बिकम सिविलाइज्ड. मतलब ये हमेशा ही, मतलब भारतीय मीडिया तो इस पॉइंट पे टच ही नहीं करता कहीं पर भी, कि दे आर सेइंग मैंने किया, मैं सुधर गया हूं, अब मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा. लेकिन व्हाट हैपेंड टू द रिवेंज? रिवेंज इज अ वेरी नेचुरल ह्यूमन साइकिल, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है. अगर आपने आज किसी को मारा, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ देगा आपको. वही व्यक्ति दोबारा जन्म लेके आएगा, तीसरे जन्म में वो आपके विरुद्ध काम करेगा. यू नो, ये हुआ है यहां पे और हो भी रहा है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे फ्रॉम द भारतीय धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, धर्म पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर भारतीय तरीके से सोचने में, वी हैव टू कम आउट विद अ स्ट्रेटजी, जो जयशंकर जी आजकल बड़ा खुल के भी बोल रहे हैं. लेकिन एक डर की बात यह है कि पूरा समाज, भारतीय समाज जागृत नहीं हुआ है, और वो ये बात नहीं समझ रहे उसका इंपैक्ट. शरद जी के मन में पॉइंट दिख रहा है मुझे, मैं रोकूंगा नहीं उनको. नहीं, आई जस्ट वांटेड टू से, आपने बिल्कुल सही बात कही है. जो उनका वेस्ट का कहना है कि मैं जो ये कर रहा हूं वो तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूं. मैंने उसी की बात की थी, न्यूक्लियर डिटेरेंट. हम पांच के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मैं सारी दुनिया को बचा रहा हूं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ला करके, कि और के पास नहीं, सिर्फ हमारे पास होगा, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर बनेंगे. राइट, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. हु आर यू टू डिटरमिन माय प्रोटेक्टेड स्टेटस? शरद जी, ऑल योर्स. हाँ, तो शुरुआत में जैसे आपने बताया कि हम लोग तीनों में से सब लोग होस्ट का रोल प्ले करेंगे, तो एंड में मैं सोचता हूँ कि मैं ही थोड़ा प्ले कर दूँ, एक होस्ट वाला. तो हमारे काफी चर्चित और काफी फेमस और इस मंच पे भी आते हैं डॉक्टर अंकित शाह जी, काफी रिस्पेक्टेड है. एज अ उनके प्रेडिक्शन को सभी लोग, हम लोग हमेशा वेट करते रहते हैं पढ़ने के लिए. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट कि यू नो, ये सब जो वेस्ट का, जो चूंकि हम लोग अब फाइनेंस की बात कर रहे हैं और फैमिली की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, और सभी का जो प्लेटफॉर्म है आज के टॉपिक का, वो है चेंजिंग, क्या चेंज हो रहा है. तो उसी को मैं टच करते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि अंकित शाह जी ने बोला था कि पर कैपिटा इनकम वगैरह जो वेस्ट का जो टूल है हमें मारने के लिए, राइट, हमेशा बोलेंगे कि देखो तुम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हो, सॉरी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हो और एस्पायर कर रहे हो थर्ड लार्जेस्ट का, लेकिन तुम्हारा पर कैपिटा इनकम तो अभी भी सोमालिया से नीचे है, या मालदीव, जो 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 कल को चाइना के पांव में बैठा हुआ था, मालदीव का जो पर कैपिटा इनकम है वो चाइना से दो टाइम ज्यादा है, $10,000 पर पर्सन, वेर एज चाइना का 5,800 या ऐसे कुछ, अराउंड 6,000 से कम है. राइट, बट कहाँ चाइना और कहाँ मालदीव, राइट. बट आपको जब मारा जाएगा तो बोला जाएगा ठीक है आप डेवलप कर दिए, बट आपके यहाँ तो अभी भी 50 करोड़ लोग गरीब हैं, आपका पर कैपिटा इनकम इतना नीचे है,
और ये पर कैपिटा का जो कॉन्सेप्ट है हमें मारने के लिए, हमारा इमेज बनाने के लिए, ये हमारे मॉन्टेक सिंह आलूवालिया, मनमोहन सिंह के इतने फेमस इकोनॉमिस्ट रहे, और ये हमारे रघुराम जी, सभी लोग यूज करते हैं, सारे हमारे आईएम्स के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स यही मॉडल यूज करते हैं, किसी बाप ने बना के दे दिया वेब से और ये उसको एज इज ले रहे हैं। मैं उस पर थोड़ा सा और फर्दर डीप डाइव करके अपना ये आइडिया दिया, और विभूति जी का सुनते हुए ऑन फैमिली पार्ट, हमारा जो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे एटम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उससे भी फर्दर आजकल 20 और छोटा छोटा पार्ट हो गया है। तो एक हिंदू सनातन भारत के लिए सबसे छोटा यूनिट एक इंडिविजुअल नहीं है, उसकी फैमिली है। तो अगर हम फैमिली को स्मॉलेस्ट यूनिट मानेंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम जो आज लगभग 2600 डॉलर पर पर्सन पर ईयर है, दैट विल बिकम ईजली यू नो, उसको रादर देन डिवाइडिंग बाय द एंटायर 140 मिलियन बिलियन पीपल, हम उसको डिवाइड करेंगे पांच टाइम लेस, बिकॉज हमारे एक फैमिली में लगभग पांच लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे और माता पिता। उसमें से मान लीजिए कि अगर एक पिता या माता का देहांत हो गया तो एटलीस्ट इतने लोग तो होते ही हैं, फाइव। अब उसका मैं ये लॉजिक देता हूँ कि देखिए, मैं जब घर लेता हूँ, कार लेता हूँ, मेरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल के और 10 साल के फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये जो वेल्थ मैं और मेरी पत्नी, अगर ये वेल्थ को हम लोग जमा कर रहे हैं, तो ये हम लोग मी एज अ शरद और शी एज शरद, मिसेस शरद, वो जमा कर रही हैं कि ये पूरे परिवार के लिए संपत्ति जमा हो रहा है? तो अगर मान लीजिए कि हम लोग दोनों जमा करके $1 मिलियन हमारे पास एसेट बन गया, तो ये $1 मिलियन में हम लोग एज अ सनातनी कभी नहीं सोचते हैं कि ये भाई शरद का ही है, उसकी वाइफ का नहीं है, इट इज लाइक आवर फैमिली, हमारा परिवार संपन्न हुआ है। तो जब हमारे अंदर सनातन में ये कॉन्सेप्ट है, राइट, और हमारे यहाँ मान लीजिए हमारा बच्चा, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो मान लीजिए एक बच्चा 18 के बाद सेटल नहीं हुआ तो हम उसको अलग नहीं करते हैं जब तक नहीं वो हम उसको सेटल करें। दिस इज अ टिपिकल, आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह होता है, बट 90% सनातनी हिंदू ऐसे ही रखते हैं, बच्चे घर पे ही रहते हैं जब तक नहीं कि वो इनफ। तो जब तुम एक ही एंटिटी और यूनिट में हो तो तुम पर कैपिटा निकालने के लिए फिर मेरे 5 साल के बच्चे को भी एक अलग इंडिविजुअल करोगे, मेरे 10 साल के बच्चे को भी अलग इंडिविजुअल करोगे, एंड देन बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बड़ा है तो हम हमेशा ही सोमालिया, मालदीव और ये सब देशों से नीचे रहेंगे, और वेस्ट इसको हम हमेशा यूज करते रहेगा मानने के लिए कि इवन दो योर प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग ग्रेट, यू हैव डन ग्रेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हमेशा पिछड़े रहेंगे। तो और हमारे जो स्कॉलर्स हैं इसी आइडियाज को लेके चलते हैं। नाउ ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये स्टेटमेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, इस स्टेटमेंट में फाइनेंस, योर ब्रांडिंग, योर पोजिशनिंग, आपका जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वर्ल्ड का, जो आपका क्रेडिट रेटिंग करती है, जिसके कारण आपका इन्वेस्टमेंट, आपका इंटरेस्ट इम्पैक्ट होता है, आप कितना बैंक से लोन लेते हैं वो इम्पैक्ट होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एज अ सनातनी, आप एक यूनिट है, उसको तोड़ के दिखाया जा रहा है। तो ये सारे चीज, इस मॉडल को अगर और हम लोग बड़े रूप में बनाएं और फाइट करें वेस्ट से कि नहीं हम नहीं मानते हैं, तो इसका हमारा बहुत फ्रॉम चेंज पर्सपेक्टिव, आप लोग इसको कैसे देखते हैं, आप लोग कितना समझे, आप लोग अपना अपना इस पे विचार रखें। मुझे सिर्फ एक बात की, मुझे एक बात की चर्चा करनी है, वो समय वो प्रश्न मैं आप दोनों के सामने पेश करूंगा, क्योंकि आप दोनों ने पॉपुलेशन कंट्रोल वाले पे अपने विचार दिए, रिप्लेसमेंट थ्योरी एंड एवरीथिंग एल्स। मेरा ये होता है कि अगर भगवान की दया से भगवान ने ऐसा कुचक्र चलाया कि आज अगर आप देखें तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हम जगह जगह घर बनाए जा रहे हैं, पेड़ पत्ते जा रहे हैं, अब लोग कहते हैं, ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि पेड़ और यू नो वेजिटेशन थ्राइव्स ऑन यू नो कार्बन, राइट, एंड they emit oxygen that makes us live. So my question was, and this is based on an international conference where I was a participant, ki us un dino earth ki population 6 billion thi, logon ka andesha tha ki 8 billion hoga to log kaise rahenge, kitne earth ki resources ko hum destroy karenge, ab aapko pata hai ki amazon forest wagera destroy ho rahe hain, phir charcha hui ki jis tarah se progression ho raha hai, फलाने साल में जाकर के अर्थ की पॉपुलेशन 12 बिलियन हो जाएगी,
तो लोग कैसे जिएंगे, क्या कंज्यूम करेंगे, रिसोर्सेज होंगे नहीं, पानी का शॉर्टेज, फूड का शॉर्टेज। फिर आपने सीड की बात करी कि आर्टिफिशियल सीड्स आ रहे हैं, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, एज इफ बिलियंस ऑफ लोगों के कारण इंटेलिजेंस ही चली गई, दैट वी नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माई क्वेश्चन हियर इज वेरी सिंपल। आज मान लीजिए कि एक ऐसा हादसा होता है नेचुरल कि अर्थ की पॉपुलेशन 2 बिलियन कम हो जाती है, जैसे कि आपने देखा कोरोना के समय में 10 मिलियन लोग मर गए, क्या असर पड़ा किसी पे? अगर अर्थ की पॉपुलेशन आज 2 बिलियन कम हो जाती है तो क्या अर्थ की समस्या कम होगी या बड़ी होगी, या इंसानों की समस्या बड़ी होगी या कम होगी? इस पे थोड़ा सा आप दोनों के विचार में जानना चाहता था, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज पॉपुलेशन डीपॉपुलेशन इज बिकम एन इशू। सारे के पॉपुलेशन रेट्स घट रहे हैं, सिर्फ इस्लामिक में पॉपुलेशन वुमेन फर्टिलिटी इज 5.1, एवरीबडी एल्स इज 1.8, 2.1 और समथिंग लाइक दैट। सो माई थॉट केम वॉज नेचुरल थॉट दैट केम टू माई माइंड दैट पीपल से इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। इट्स नॉट, एक्चुअली इज द फास्टेस्ट प्रोड्यूसिंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। थिंक अबाउट इट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव, व्हाट इज अ थॉट ऑन दैट? देखिए इस्लामिक पॉपुलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई गिव दैट एज एन एग्जांपल, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट डीपॉपुलेशन पॉपुलेशन, अगर आज अर्थ की पॉपुलेशन एक ऐसा भूचाल आया और ऐसी नेचुरल स्थिति आई कि 2 बिलियन लोग चले जाते हैं, तो क्या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, whether क्लाइमेट चेंज सॉल्व हो जाएगी? एक्चुअली क्या है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, देन वी नीड टू, यस, एक्चुअली क्या है कि ये जो पॉपुलेशन का जो प्रॉब्लम जो वेस्ट बताता है, उसका ये पॉलिटिकल रीजन ये है, वो ये चाहते हैं कि दूसरे की पॉपुलेशन मैनेजेबल रहे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत घट रही है, दे वॉन्ट अदर्स टू ऑल्सो कम डाउन, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, उनका जो कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड इज फिनोमिनल टुडे, आज के समय में दे कंट्रोल 80% ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप रशिया को वो करें कि रशिया अलग है, नहीं, रशिया भी उसी चर्च को फॉलो करता है, जो इनके आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये जो क्रिश्चियनिज्म या यूरोपियन पॉपुलेशन ने 80% ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज कंट्रोल करके रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट, और 1 बिलियन में भी छोड़ दें, 450 मिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट हैव कंट्रोल ओवर 80% ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, 450 मिलियन लोगों का। सो दी यही, इसी को बोलते हैं इनएडिक्वेट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। और जो पृथ्वी के संसाधनों पर बनी हुई है, जबकि पृथ्वी सभी की होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए, मेरे हिसाब से विभूति जी, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मिथ को भंग करना चाहिए। जो धार्मिक पॉपुलेशन है दैट शुड इंक्रीज, उसके ऊपर ब्रह्मा का वरदान भी है, ब्रह्मा का आशीर्वाद भी है कि बच्चा, हम हिंदू लोग एटलीस्ट 3 या 4 बच्चे करें, क्योंकि फर्टिलिटी रेट्स हिंदुओं का बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ ईटिंग स्टाइल्स। दैट्स व्हाई दे आर इंट्रोड्यूसिंग जीएमओ क्रॉप्स इन इंडिया, जीएमओ मिल्क इन इंडिया, जीएमओ सीड्स इन इंडिया, ताकि हिंदुओं का पॉपुलेशन कम हो। और जैसे हिंदुओं का पॉपुलेशन कम होगा, इन लोगों ने हमेशा मुसलमान देशों पर राज किया है, मुसलमान देश कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब पे इन्होंने राज किया है। ये लोग अपने आप को इस्लामिक देश बोलते रहे, लेकिन दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न एड, ये है बिल्कुल सच बात है। तीसरा चीज मुझे ये लगता है, भारतीय मीडिया जो बार बार पे बोलती है, परेशानी व्यक्त करती है कि यूके लंदन में स्थान बन रहा है, ये बन रहा है, बनना चाहिए, दे शुड फॉलो द ह्यूमन राइट्स विच दे हैव प्रीच्ड फॉर इयर्स, मेरा तो ये मानना है। हम लोगों को चिंताजनक कुछ, हम को चिंता करने का जरूरत नहीं है। और शरद जी का पॉइंट है बच्चों के ऊपर, उनका सनातन धर्म के पॉइंट है कि द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग सनातन वैल्यूज टू द चिल्ड्रन इज द पेरेंट्स, नॉट द स्कूल। जो हमने एजुकेशन को आउटसोर्स किया हुआ है, दैट इज नॉट द नॉर्म। एक्चुअली यूनिवर्सिटी सिस्टम भी एकदम वैदिक गुरुकुल के एकदम विरुद्ध है। जो वैदिक गुरुकुल में 14 वर्ष की आयु तक अ बॉय वॉज फुल्ली केपेबल ऑफ अर्निंग मनी, केपेबल, वो अपने परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता था। हम अभी उसी बालक को रखते हैं 52 साल तक JNU में, है ना, 52 ईयर्स के JNU PhD कर रहा लड़का और 48 ईयर्स तक पढ़ रहा है, एंड वी आर ऑन एन एवरेज 27-28 साल तक वो लड़का प्रोडक्टिव होता है टू अर्न मनी और टू हैव हिज ओन होम, विच इज अ टोटली रॉन्ग पॉपुलेशन सिस्टम। तो यंग अगर पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, दैट पर्सन शुड बी फाइनेंशियली एबल एट द एज ऑफ 21,
नहीं तो नेचुरली वो पॉपुलेशन बच्चे कम प्रोड्यूस करेगा जितना देरी होगी. सो वी हैव टू, देयर आर मेनी थिंग्स वी हैव टू डू. अभी हम लोग इंडिया में हम लोग बॉर्न हुए हैं एंड वी आर लिविंग इन द वेस्ट, और हमको यहाँ का सिस्टम भी अच्छी तरह समझ में आता है बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ द एक्टिव सोशल लाइफ, और हम यहाँ के चैलेंजेस को देख रहे हैं, यहाँ के लोकल अमेरिकन के चैलेंजेस को देख रहे हैं, किस तरह वो 18 साल की उम्र में बच्चों को बाहर फेंक देते हैं और किस तरह फिर वही बच्चे उनको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं बुढ़ापे में. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो. इंडिया में भी लोग ओल्ड एज होम में डालना शुरू कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, विच इज अ कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ सनातन धर्म वैल्यूज ऑल्सो. तो बहुत जगह हम लोगों को इंडस्ट्रियल फूड को खाना बंद करना चाहिए, जैसे कि रेस्टोरेंट्स के होते हैं. बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा लोगों को, लेकिन जो हमारे जो हवेलियां होती हैं, बॉम्बे में हवेली चलती है, जो ऑर्गेनिक फूड होता है, भारतीय फूड होता है, उस तरह के भोजन ज्यादा करना चाहिए. सो द थिंग इज द मोर वी कम डाउन टू अवर बेसिक्स टू प्रोटेक्ट अवर ओन लाइफस्टाइल. और अभी किसी ने वीडियो बनाया था इंडियन फूड इज द मोस्ट साइंटिफिक फूड. टोटली एग्री, मोस्ट साइंटिफिक फूड इन द प्लैनेट, जो कि डिजीजेस को भी प्रिवेंट करता है. तो देयर आर मेनी थिंग्स वी नीड टू टैकल ऑलरेडी व्हिच वी हैव टू डू इट, और यही सब चिंताजनक विषय है. तो दुनिया चिंताजनक स्थिति में है, लेकिन धार्मिक लोग चिंताजनक स्थिति में नहीं रह सकते. दे कैन इजिली कम आउट. यही मेरा इतना बोलूंगा मैं. एंड बिफोर वी रैप द शो, शरद जी कुछ पॉइंट्स आप बोलना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मार्क्स, और विभूति जी? तो मैं यही बोलूंगा कि मूव टू द काउ इकोनॉमी. गौमूत्र और गौ माता का जिस तरह से अनादर हो रहा है इन एलिट मीडिया, दिस सीएमओ सीड और इस केमिकल ड्रिवन फर्टिलाइजर, और ये जो भी स्ट्रेस है समाज में, इसको बहुत हद तक हमारा जो ओल्डन वे ऑफ एग्रीकल्चर है और रूरल सेटअप है, जिसमें गाय का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है. तो वी हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट दैट. काउज कैन ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग टू दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस. और दूसरा है कि वी शुड नॉट बी सोल्ड बाय वेस्टर्न ईल्ड का आइडिया कि भाई गाय के गोबर से ईल्ड जो है 10x कम होती है. इसलिए पंजाब के किसान जो आज मर्सिडीज से आते हैं विरोध करने के लिए, वहां से हर रोज पंजाब के भटिंडा स्टेशन से एक ट्रेन जाती है राजस्थान, जिसका नाम है कैंसर ट्रेन. हर रोज, दिस इज इन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज. और उस ट्रेन में जितने भी ये किसान हैं, अनफॉर्चुनेटली, जिन्होंने अपने सॉइल में इतना केमिकल ठूंसा है कि उनके पीने के पानी से लेके एवरीवेयर इट हैज इंपैक्टेड देम सो मच कि ट्रेन भर भर के लोग, बिकॉज राजस्थान वहां से सस्ता ट्रीटमेंट करता है, अब पंजाब के हॉस्पिटल्स फुल हैं. तो कैंसर ट्रेन आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि व्हाट वी आर सेइंग. सो व्हाई गौ माता इज रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. थैंक यू. आप दोनों ने कहा था, मेरे जो लास्ट वर्ड्स होंगे आज के शो के लिए ये होंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने संस्कार को अपने बच्चों को प्रदान करें, और उसके लिए हमें खुद ही तत्पर और कहते हैं ना कि हमें खुद को जानना पड़ेगा उस चीज को. और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी सनातन का बिगेस्ट एलाय है, क्योंकि हमारे सनातन प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो वो जो है, इस बात को न समझेंगे हम तो फिर हो जाएगा ना समझे हुआ नाड़ी है. बस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीवन. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लेट अस नो फीडबैक. अगले शो तक फिर मिलेंगे. जय जगन्नाथ. जय जगन्नाथ. थैंक यू.